आज हम बनाएंगे हार श्रृंगार के फूलों का गोल्डन ऑयल। वेलकम टू माय चैनल पोटली अनीता की। ये देखिए, आजकल मौसम है हार श्रृंगार के फूलों का। सूर्योदय होता है तो ये पेड़ से अपने आप गिर जाते हैं। एक यही फूल ऐसे हैं जो नीचे गिरे हुए फूलों को उठाकर हम पूजा में भगवान के अर्पण कर सकते हैं। ये फूल माता लक्ष्मी को बहुत पसंद हैं। गुलाब का फूल, कमल का फूल और ये हार श्रृंगार के फूल लक्ष्मी माता की पूजा में भी प्रयोग किए जाते हैं। ये फूल इस मौसम में हम इकट्ठे कर सकते हैं। ये देखिए, ये कल वाले फूल हैं, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया। इनको मैं ड्राई करके रख लूँगी। अब हम इनसे बनाएंगे हमारे बालों के लिए तेल। ये मैंने तिल का तेल लिया है। ये बिल्कुल प्योर ऑयल है जो तिल से हम खुद निकलवा के लेके आए थे, और ये रिफाइंड तेल नहीं है। हमें रिफाइंड तेल नहीं लेना है। और ये तेल मैं इसमें इतना डालूंगी कि हमारे पूरे फूल डिप हो जाएं। ये देखिए, और मैं कल वाले फूल भी इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा ऑयल इसमें हम अभी और डाल सकते हैं। इस ऑयल को आप जोड़ों के दर्द के लिए प्रयोग कर सकते हैं और बालों में लगा सकते हैं। इन फूलों की चाय भी बहुत बेनिफिशियल होती है। 2 से 4 फूल तक हम ले सकते हैं एक बार में। खुशबू तो आती है। ये फ्लावर्स एंटासिड का भी काम करते हैं। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये कफ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। खांसी में इन फूलों का रस निकाल के और शहद के साथ लिया जाए तो खांसी भी ठीक हो जाती है। और इनका जो है डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं ये फ्लावर्स। इनके जो पत्ते, कोमल कोमल पत्ते लेकर और फूल लेकर अगर उसको पानी में उबाल के पिया जाए तो ये डायबिटीज़ को ठीक करते हैं, हमारी शियाटिका वाले पेन को ठीक करते हैं, जोड़ों के दर्द को ठीक करते हैं। साथ में हम इस ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। जोड़ों में जहाँ पे भी दर्द है वहाँ हम इस ऑयल को लगा भी सकते हैं। जब तक फूलों का कलर नहीं बदलेगा हम तब तक इनको पकाएंगे, और लेकिन बहुत ज़्यादा काला नहीं होने देंगे। इन फूलों की अगर महक की बात करें तो इनकी महक सबको बहुत पसंद होती है, और अगर लगातार इन फूलों की खुशबू डेली ली जाए तो ये हमारी मानसिक बीमारियों में बहुत अच्छा काम करते हैं। मानसिक बीमारियों में हमें फ़ायदा देते हैं। इसमें से धुआं आने लगा है, मैंने गैस बंद कर दी है, और ये देखिए हमारे फूलों का कलर भी चेंज हो गया है। बस अब हम इसको ठंडा होने के बाद छान लेंगे। अब मैं इनको छान लेती हूँ। इस ऑयल को छान लिया है। ये देखिए, स्ट्रेन करने के बाद इन फूलों का कलर इसमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए, पहले हमारे ऑयल का कलर ऐसा था, बहुत लाइट सा कलर है, और इसके अंदर ये सारा कलर फ्लावर्स का आ गया। अब आप इस ऑयल को अपने बालों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और जहाँ पे भी दर्द हो वहाँ इसको लगा के प्रयोग कर सकते हैं। और काफ़ी जगह पे बंगाल में तो इन फूलों से काफ़ी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, तो आप भी, आजकल मौसम है इनका, आप भी इनका लाभ उठाइए। और आपने क्या इसका यूज़ किया आप मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।